लीकी एमएनए ने तलाल चौधरी के खिलाफ भत्ता वसूली के हवाले से तहरीक अल्तवा पंजाब असेंबली में जमा। तहरीक अल्तवा मुस्लिम लीग काफ के आमिर सुल्तान चीमा की जानिब से जमा कराई गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इखलाक बाजवा से। इखलाक बाजवा, बताइएगा तहरीक अल्तवा का मतन क्या है? जी, तहरीक अल्तवा के मतन के मुताबिक फैसलाबाद की एक सड़क पर चार अड्डे चल रहे थे, जिसमे तैमूर ट्रेवल्स सबसे पुरानी कंपनी है जो फैसलाबाद की वहां को बेहतर सफरी सहूलियतें फ्राहम कर रही थी, और इनका लाइसेंस जो है वो मंसूख कर दिया गया। और मैं ये भी बताता चलूं आपको, ये जो तैमूर है ये सबका अपोजिशन लीडर चौधरी जहीरुद्दीन के भाई हैं, जो कि मुस्लिम लीग काफ के एमपी भी रह चुके हैं। ये उनका यहाँ पर अड्डा था, तो तलाल चौधरी ने अपने साथी मुन्ने खां फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर भत्ता वसूल करते थे और उन्हें वहां मौजूद सरकारी अड्डे पर भी कब्जा कर रखा है। अली अख्तर कंपनी तैमूर ट्रेवल भत्ता नहीं दे रही थी, जिस पर तैमूर ट्रेवल्स के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करते हुए एतीर से दो शिकार किए हैं और उसको बंद कर दिया गया, उसका लाइसेंस भी मंसूख कर दिया गया। तलाल चौधरी के खिलाफ तहरीक अल्तवा कार जमा कराई गई है। इखलाक बाजवा लाइन पे रहिएगा।